खास एग्जीबिशन का आयोजन किया और इस एग्जीबिशन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। देखिए, महिला शक्ति त्योहार के रंगों में कला और संस्कृति की खुशबू को पिरोना जानती है और इसी की एक झलक दिखी नोएडा में, जहां सखी मिलन संस्था ने तीज और राखी पर आधारित एक खास एग्जीबिशन का आयोजन किया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कोई ऐसा स्टेज चाहिए या कहीं जाकर वो अपना जो पुराना टैलेंट है उसको बाहर ला सकें, तो वही हमारी कोशिश रहती है। यहाँ आपने देखा होगा हमारे डांस परफॉर्मेंसेज होते हैं, जो उन्होंने कभी नहीं किए वो यहाँ करती हैं, तो दे आर वेरी हैप्पी। तो उनको फिर से जिंदगी में थोड़ा सा उल्लास ये सब लाने की कोशिश करते हैं और सब जुड़ते हैं इससे। इस एग्जीबिशन में कई तरह के स्टॉल लगाए गए, गहनों और डिजाइनर ड्रेस के साथ साथ घरों को सजाने और सवारने के स्टॉल पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। 6 साल हो गए ये चीज को कर रहे हैं, हम साल में इतने प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन हम तीनों की एकता है, तीनों की मिलकर जो हम करते हैं, इससे ये सारा प्रोग्राम आसान हो जाता है हमारे लिए। उमंग और उत्साह के हर रंग को समेटे इस बेहद ही खास एग्जीबिशन में शॉपिंग के साथ साथ मनोरंजन की भी कई तरह की एक्टिविटीज का आयोजन हुआ। डांस और सिंगिंग के जरिए महिलाओं ने अपने हुनर का जलवा बिखेरा। वहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट के दौरान रैंप पर महिलाओं ने कैटवॉक किया। पिछला इवेंट था वो बिल्कुल ही इसका अगेंस्ट इवेंट था। इट वाज अ वेरी हैपनिंग नाइट क्लब इवेंट। नाइट क्लब तो नहीं था, वो था तो दोपहर को, लेकिन उसका वो था तो नाइट क्लब का एम्बियंस एंड नून आफ्टरनून। उसका हमारा थीम का इनवाइट ये था, इट्स अ नाइट क्लब डिस्को बट इन द आफ्टरनून। एग्जीबिशन में बड़ी तादाद में महिलाओं की भागीदारी से साफ है कि आधी आबादी ने हर लिहाज से इस खास कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। टीम न्यूज़ 8। और यहाँ रुकते कुछ पलों के लिए खबरें।